अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। माननीय डॉक्टर करण सिंह जी, जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री नहीं रहे हैं बल्कि जम्मू कश्मीर स्टेट के पहले इलेक्टेड सदर रियासत रहे हैं और मेरे ख्याल में आखिरी सदर रियासत भी है और शायद 18-19 उम्र की मैं ये सदर रियासत बने थे। ए लिविंग हिस्ट्री, ए लेजेंड, और शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका रहना ऐतिहासिक। जिस विषय पे आज ज्यादा चर्चा हो रही है 35A पे, तो आजादी से शायद 30 साल पहले इनके पिताजी ने ही लाया था, उसके बारे में ही खुद बताएंगे, लेकिन मैंने खाली हिंट बताया। श्रीमती अंबिका सोनी जी, मेंबर पार्लियामेंट, फॉर्मर मिनिस्टर और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर। पी चिदम्बरम जी, मेंबर पार्लियामेंट भोजपुर, एक्स होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने होम मिनिस्टर के रूप में जम्मू कश्मीर को डील किया है कई दफा और अभी भी उस पर चर्चा करते रहते हैं। आनंद शर्मा जी, फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और डिप्यूटी लीडर राज्यसभा में, और झा साहब हमारे मीडिया के इंचार्ज, और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु। कुछ घटनाएं इस हफ्ते दो हफ्ते में हुई है, मैं संक्षेप में 5 मिनट में उनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद अंबिका जी और डॉक्टर साहब और बाकी साथी दो दो मिनट बोलेंगे जरूर। ये चारों हमारे चार साथी, डॉक्टर साहब, मैं और अंबिका जी और चिदम्बरम जी, कश्मीर प्लानिंग एंड पॉलिसी जो ग्रुप है कांग्रेस की तरफ, उसके मेंबर भी हैं, उसके बारे में मीटिंग हुई, वो अंबिका जी बताएंगे। और आनंद जी तो जैसे मैंने बताया हमारे वरिष्ठ नेताओं में हैं, इसलिए यहाँ मौजूद। 10-15 दिन पहले यहाँ से तकरीबन 25,000, कुछ कहते हैं 35,000 एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस कश्मीर में बुलाई गई, जबकि ये साल में मिलिटेंसी के हिसाब से सबसे लीन पीरियड, सबसे कम टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हुई, सबसे कम पुलवामा इंसिडेंट को छोड़कर सबसे ज्यादा कम सिक्योरिटी फोर्सेस की और सिविलियंस किलिंग हुई, सबसे ज्यादा यात्री अमरनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, लेबरर्स पूरे देश के कश्मीर में जा रहे हैं, और ऐसे में एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस का भेजना सबके लिए चिंता का विषय थे। और एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले मैंने वो स्टेट की एडवाइजरीज देखी, जब स्टेट्स के पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने एक पत्र लिखा, रश पत्र नहीं, वायरलेस मैसेज, कि सब एसपीज 24 आवर्स में आपकी राइट डीलिंग जो इक्विपमेंट है उसकी पोजीशन बताई जाए ताकि उसको सप्लीमेंट किया जाए, और जो एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी आपको डिस्ट्रिक्ट में भेजी जाएंगे, मिक्सअप विद द लोकल पुलिस इस्तेमाल किया जाए। ये 10 दिन पहले की बात, ये पहले अभी 30 साल में नहीं हुआ। 30 साल में जब
मिलिटेंसी अपने उरूज पे थी, ऐसे ही कोई स्टेट की तरफ से, हेडक्वार्टर की तरफ से पुलिस ऑफिसरों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसरों को नहीं गया। लेकिन कल शाम को जो होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी गई वो बहुत ही चिंताजनक है, और पूरा राष्ट्र, पूरा देश और जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग डरे हुए हैं कि अभी तक तो स्टेट की एडवाइजरी जा रही थी, स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट पुलिस ऑफिसर्स की, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री ने कहा कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो वापस अपने घरों को लौट के आए कश्मीर से। जो यात्री हैं, क्योंकि अभी 15 दिन है यात्रा को, 15 अगस्त के बाद कल्मिनेट होती, वो भी कटेल करके वापस आए। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं दो चार उदाहरण देना चाहता हूं। 1993 में जब हमारी, ये मैं कहना स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में भी, एनडीए 1 में भी, एनडीए 2 में भी, यूपीए में भी टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स कश्मीर वैली में हुए, लेकिन चाहे वो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, या यूपीए की मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, या पिछले साल 2017 में भी जो यात्रियों पर अटैक किया गया उसमें लोग मारे गए, या 18 में कई इंसिडेंट्स हुए, तो भी कभी भी नहीं। हां, एक बहुत घटना जब 2002 में हुई थी, जब 2000 में जब एनडीए की, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सबसे ज्यादा किलिंग शीशनाग में हुई थी, 89 के करीब यात्री और सिविलियन वहां मारे गए थे, और हर साल 2001 में भी मारे गए, 2002 में भी अटैक हुआ। लेकिन उस वक्त भी जब 89 किलिंग्स हुई थी सिविलियंस की और यात्रीज की, उस वक्त भी दो चार दिन के लिए ही सस्पेंड किया गया, और घटनाएं इन 30 सालों में दर्जनों नहीं सैकड़ों हुई हैं हर गवर्नमेंट में, और हर गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। मैं किसी यहां गवर्नमेंट को आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, हर गवर्नमेंट ने प्रयास किया, और मैं बधाई देता हूं आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, मैं बधाई देता हूं कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के सिविलियंस को, वो कश्मीर के मुसलमान हों, जम्मू प्रांत के हिंदू और मुसलमान हों, सिख हों, कई कुर्बानियां उन्होंने दी, उनके रिलेटिव्स, किसी के मां बाप मारा गया मिलिटेंटों के हाथों, लेकिन वो पीछे हटे नहीं। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नर हो, किसी ने ये एडवाइजरी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये एडवाइजरी कभी नहीं गई कि टूरिस्ट वापस आए और यात्री, यात्रा को कटेल करके, कम करके वापस अपने अपने राज्यों में आए। तो कल रात की इस एडवाइजरी के बाद, अगर आपने सोशल मीडिया देखा होगा कश्मीर का, मैं सुबह से देख रहा था, रात से ही देख रहा था, और कुछ टेलीविजन ने, एक दो ने छुटपुट दिखाया, सब ने नहीं दिखाया, हजारों लोग जो टूरिस्ट हैं बस स्टैंडों पे हैं, एयरपोर्ट्स पे हैं, सैकड़ों लोग जो यात्रा करने वाले हैं वो भी बस स्टैंडों पर हैं, और कुछ ट्रेन में बनिहाल जा रहे हैं, वहां से गाड़ियां पकड़ रहे हैं वापस आने की, और सैकड़ों ने, तकरीबन 2-2.5 लाख मजदूर बिहार के और देश के दूसरे हिस्सों के लोग अपनी रोटी रोजी के लिए, जिसमें कारपेंटर्स हैं, मेसन्स हैं, क्योंकि इनकी कमी हमेशा कश्मीर में रही, और आम मजदूर जो रहा तकरीबन 4 लाख मजदूर होता है, लेकिन इस साल क्योंकि ज्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं चल रही हैं, 1.5-2 लाख मजदूर इस वक्त भी है,
वो भी गाड़ियां पकड़ रहे हैं और वापस आ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एनआईटी श्रीनगर में, उसमें सैकड़ों बच्चे, शायद 500-600 के करीब बच्चे देश भर के दूसरे हिस्सों से कश्मीर में पढ़ते, आज वहां बसें प्रोवाइड की गई सरकार की तरफ से उनको इवेक्वेट करने की। तो मुझे याद आया 1990 का दृश्य, इसी तरह से जब यहां बीपी सिंह जी की सरकार सपोर्टेड बाय बीजेपी थी और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला की मर्जी के खिलाफ बीजेपी ने जगमोहन को भेजा था और फारूक अब्दुल्ला ने यह उस वक्त कहा कि आप हमारी मर्जी और हमारी मर्जी के खिलाफ गवर्नर भेज रहे हैं और अगर आपने ऐसा किया तो मैं इस्तीफा दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त वीपी सिंह पर दबाव डाला और जगमोहन जी को भेजा और फारूक अब्दुल्ला साहब के पास अभी 3 साल थे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रोटेस्ट में, मैं हमारी कोलेशन गवर्नमेंट थी, हमारे भी मंत्री थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट में इस्तीफा दिया और गवर्नर रूल हुआ और हमारे कश्मीरी पंडितों को, जिसके लिए 30 साल से कांग्रेस को गालियां पड़ती हैं, ये उस वक्त की एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए उस वक्त नाम नहीं था लेकिन सपोर्टेड बाय बीजेपी वीपी सिंह, उस वक्त के गवर्नर ने इसी तरह से बसें प्रोवाइड की थी, ट्रक प्रोवाइड किए थे और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जम्मू लाया गया था। और आज तक हमें कश्मीर की तारीख पर और कश्मीर पर एक कलंक लगा है कि हमारे कश्मीरी भाई और बहनें, कश्मीरी पंडित भाई और बहनें उस वक्त निकाले गए, निकले वहां से और आज तक वापस नहीं गए। और आज वो दो दराड़ बनी है नफरत की दोनों समुदायों के बीच में, उसके पीछे भी यही था। आज फिर वही 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ये बह और नफरत पैदा कर रही है कि जैसे कोई कश्मीर में बहुत सब आउटसाइडर्स को मारा जा रहा है। अगर आपने एनडीटीवी की सुबह के इंटरव्यूज देखे होंगे, आज सुबह सब सैकड़ों लोगों से इंटरव्यू लिए गए, हर यात्री ने और हर टूरिस्ट ने, गुजरात के यात्रियों ने कहा कि हम यात्रा करने के लिए आए थे लेकिन हमको सरकार कहती है कि हम यहां से भागो, लेकिन कश्मीरी मुसलमान कहते हैं हम आपके साथ मरेंगे लेकिन आपको जाने नहीं देंगे और आप हमारे पास रहिए। जो टूरिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कश्मीरी लोग हमें कह रहे हैं कि हम आपके साथ मरने और जीने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डर फैला रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तो ये कहकर एडवाइजरी देकर डर फैला रही है और फिर दूसरा कि कश्मीर के लोगों के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है कि इनके होते टूरिस्ट को भागना पड़ा, इनके होते यात्रा कैंसिल करनी पड़ी, जबकि कोई घटना नहीं हुई है। ये बहाना करना गवर्नमेंट का कि एक स्नाइपर मिला, लैंडमाइन मिला, मैं जब चीफ मिनिस्टर खुद था, हजारों ऐसी जगहें हैं जहां डंप्स मिले हैं आर्मी के, सैकड़ों ऐसी जगह जहां हमारे लिए लैंडमाइन बिछाई गई थी, लेकिन हमने किसी भी टूरिस्ट को भागने के लिए नहीं कहा, हमने किसी भी कोई भी यात्रा कैंसिल नहीं की। इसलिए इस परिस्थिति में कांग्रेस के सभी लीडर यहां जमा हुए हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस निर्णय को कंडम करते हैं और